हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए श्वसन प्रणाली और ध्वनि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट करके लाया हूँ जो आगे एग्जाम हो चुके हैं। सारे वैसे ही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इस वीडियो का सारे क्वेश्चन का क्यूज खेलना है तो अभी तुरंत जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जाकर सर्च कीजिए गौतम स्टडी अड्डा, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर के आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको रोज एवरीडे जीके जीएस करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग का क्यूज होता है टाइम बाय टाइम, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा बाहर निकलती है। तो चलिए श्वासोच्छ्वास के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, श्वासोच्छ्वास में हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका मात्रा। तो अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन होता है 78.09%, बाहर निकली हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.09%, यानी हम लोग जितना नाइट्रोजन अंदर लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा अंदर लेते हैं 21% और बाहर निकालते हैं 17%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% हम लोग अंदर लेते हैं और निकालते हैं कितना, 4%। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38। दोस्तों 38 ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन चौथा है, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे आसान क्वेश्चन है, 70 से 72 बार। आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैं आज क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ बहुत जगह से खोज करके। क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर छठा देख लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए, वायु श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है श्वासोच्छ्वास के दौरान छोड़ी गई। देखिए दोस्तों, अंदर लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाहर छोड़ते हैं कितना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां देख लेते हैं, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइरुविक एसिड का। दोस्तों क्रेब्स चक्र का वर्णन किए थे हेंस क्रेब ने, और इसमें क्रेब्स चक्र में किसका विश्लेषण संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर दसवां देख लेते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ये एग्जाम में अनगिनत बार पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ये निर्वात में चल सकती है, गमन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, अश्रव्य तरंगों की प्रवृत्ति आवृत्ति होती है, तो दोस्तों अश्रव्य तरंग का बात हो रहा है कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम। चलिए आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पराश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, पराश्रव्य बात कर रहा, तो पराश्रव्य का
आवृत्ति जो होता है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है वो प्रसरव्य तरंगे कहलाती है, और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो अवश्रव्य तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्रसरव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं सुनी जा सकती है। प्रसरव्य तरंग आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। प्रसरव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गॉल्टन ने। प्रसरव्य तरंगों को सबसे पहले गॉल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। क्वेश्चन 16, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। दोस्तों प्रतिध्वनि का निर्धारण करके चमगादड़ या डॉल्फिन जो है शिकार परभक्षी या बाधाओं का पता लगा लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति पर, ध्वनि का पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, और यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों विमान के आंतरिक भाग का सफाई किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसरव्य तरंग का, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए प्रसरव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्न में से क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, चंद्रमा पर धरातल से दूरी विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यों नहीं पड़ता, तो ऑप्शन ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों, क्योंकि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि चाल होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वायु में ध्वनि की चाल पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि तेज यात्रा करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील में, स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, बादलों की बिजली की काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, बादलों की बिजली की काफी समय बाद उसकी गर्जन सुनाई देती है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, और इसीलिए उसका बिजली जल्दी हमको दिखाई देता है, गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में स्टील, स्टील क्या है ठोस है, तो ठोस में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, ध्वनि का वेग भिन्न माध्यमों में। तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो होता है भिन्न माध्यमों में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो आपका यहां भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा, जो कि एक ठोस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो भी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पराध्वनि विमान उड़ते हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल की अधिक चाल से, यानी ध्वनि की चाल जितनी होती है उसकी अधिक चाल से उड़ती है पराध्वनिक विमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक संख्या कहते हैं। क्या संख्या है? मैक संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 34 का ए, ध्वनि, ध्वनि के वेग के संबंध में किया जाता है मैक अंकों का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ऑप्शन सी, डेसिबल में। यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग साधारण बातचीत जो करते हैं वो साधारण बातचीत कहलाता है, हम लोग उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 से 60 डेसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि के नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? तारत्व। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि पतली तो कोई ध्वनि मोटी होती है? तो यहां भी आपका आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन बी, तारत्व। तारत्व के कारण कोई ध्वनि पतली होती है और कोई ध्वनि मोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारत्व अधिक होता है। क्या होता है? यहां भी तारत्व का बात आया, तारत्व अधिक होता है, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज होती है तीक्ष्ण होती है, पतली होती है। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 40, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज की अपेक्षा अधिक पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज, क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन ए, स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति जो होती है वो अधिक होती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां चाहे वहां शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बच रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, और जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किया जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।